चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, अभिषेक से, जो कि सहारनपुर यूपी से है और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ। तो सबसे पहले अभिषेक, आपको एनआईटी त्रिची के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और ये तो सर बस आपकी वजह से हो पाया, वरना मुझे तो लगा नहीं था एनआईटी त्रिची मिलेगा भी। और परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भी एंड टाइम पे काफी सपोर्ट करी। वैसे तो सपोर्ट करते आ रहे थे, पर जो एंड टाइम पे चाहिए था मेरे को, उन्होंने बहुत काफी सपोर्ट करी जब मैंने आपसे बात करी थी। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अभिषेक के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले अभिषेक ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए और साथ में एनआईटी त्रिची मिला। तो अभिषेक एक चीज बताइए कि सबसे पहले हर बच्चा ये जानना चाहता है कि आपने कब सोचा था एनआईटी त्रिची, मतलब निमसेट के बारे में, फिर कैसे प्रिपरेशन की, और क्योंकि आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किया। और इम्पिटस की सबसे अच्छी बात है कि इम्पिटस के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो फ्रेशर, ड्रॉपर, हर तरह के, पर कई बच्चे जो कि मतलब कई बार कहीं जाते हैं तो वो सोचते हैं ड्रॉप लिए बिना नहीं होगा, पर इम्पिटस में ऐसा जो जब ज्वाइन कर ले, अगर वो मेहनत कर ले तो हो ही जाता है, वो आपने खुद भी फील किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कब सोचा था निमसेट को और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन किया, आपकी सक्सेस जर्नी क्या है? बिल्कुल सर, जब शुरुआत में जब मैंने बीसीए में एडमिशन लिया था तब प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत ही करता था, तो सौरभ सर से, मतलब सौरभ सर की वीडियो देखी तो वहीं से पता चला, आपको भी देखा था वहीं पर ही, तो तब वहां से पता चला कि निमसेट भी कोई एग्जाम होता है। पर कंफ्यूजन थी कि दूं या ना दूं, क्योंकि हायर लेवल मैथ था और मतलब कोचिंग और इतना टफ कॉम्पिटिशन, तो इस कारण से मन में डाउट था कि दूं या ना दूं। लेकिन फिर एक बार मैंने मन बना लिया तो फिर देना है, तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी और जैसे मन बना दोस्त के पास गया, उससे बुक ले आया, क्योंकि उस वक्त ये था कि मेरे पास कोई ज्यादा मैथ की बुक थी नहीं, क्योंकि ट्वेल्थ हो गई थी मेरी, ट्वेल्थ में भले ही मैथमेटिक्स थी लेकिन उस वक्त वो बुक इतनी वैसी थी नहीं, तो क्योंकि दोस्त दे रहा था उस कारण से उसकी बुक ले आया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत तैयारी शुरू करी, फिर आपकी वीडियोस देखता रहा, और ये मैंने आई थिंक 2019 में मैं सेल्फ स्टडी करता रहा, और 2019 से मार्च से लेकर, और ये बस मेरा सेल्फ स्टडी करते करते फिर आपकी जैसे जैसे वीडियोस डलती गई उनसे काफी सपोर्ट मिली मेरे को, और बस ये था मैथ्स पे ज्यादा जोर देना था मेरे को, क्योंकि मैथ्स मेरे को इतनी समझ आ भी नहीं रही थी, और फिर रीजनिंग में काफी दिक्कत सी आई थी मेरे को। सर जैसा हमने कहा था कि रीजनिंग को वैसे ना, मतलब एसएससी लेवल या बैंक लेवल से ना पढ़ना, तो मैंने भी थोड़ी बहुत ही वही गलती कर दी थी, मैंने आउटर वीडियोस देख ली थी बाहर की जो एसएससी के पढ़ा रहे थे, तो इस कारण से मुझे उसमें बड़ा टाइम वेस्ट हो गया था मेरा। तो मैं तो सभी से कहूंगा कि रीजनिंग को थोड़ा देख के समझ के करें, और बाकी मैथ्स को एकदम अच्छे से करना है। और फिर जैसे जैसे मतलब करते गए, और फिर जब मेरी स्टडी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब सर आपने मैजिकल कैप्सूल कोर्स हमें प्रोवाइड करा था, तो उससे काफी हेल्प हुई, वहीं पर ही मेरा टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल था नहीं जिससे मैं अपना मॉक दे पाऊँ, जिससे मैं अपनी टेस्टिंग कर पाऊँ, तो वहीं से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे कुछ तो मतलब एनआईटी तो मिल ही जाएगा। पर हालांकि बस आपकी वजह से, और जैसे जैसे चलते गए फिर जब एग्जाम आया करीब, तो ऐसा मन में डाउट आया कि आ रहा है नहीं आ रहा है, वही सर आपने कहा था ना एक बार कि एंड टाइम पे जो लास्ट का एक हफ्ता होता है वो बड़ा ही अलग होता है, क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल रहे हैं। तो सर आपने कहा था कि बस याद रखना, अपने माइंड को जैसा इनपुट दोगे वो वैसे आउटपुट देगा, तो मैंने भी अपने माइंड को ऐसे इनपुट दिया कि बस याद है, सब कुछ याद है, तो वैसे ही हुआ। और जब एग्जाम में गया तो बड़ा डर सा लग रहा था मेरे को क्योंकि एक तो जैसे एग्जाम ओपन हुआ तो मेरे तो हालत से खराब हो गई थोड़ी, क्योंकि एकदम अलग ही लेवल था इस बार का। तो पर हालांकि जैसे आपने कहा था कि बस माइंड को ऐसी इंफॉर्मेशन देना कि हाँ सब कुछ आता है, तो इस कारण से मैं जैसे जैसे एग्जाम में बनता गया वो सब कुछ करता चला गया। और आपने ये भी कहा था कि जितना आता है उतना ही करना, तो ये आपकी ये गाइडेंस मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट कर गई कि बस सर जितना आया उतना ही कर चाहा मैं, उससे ज्यादा ना मैंने करा। बहुत अच्छा किया बेटा अभिषेक, और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली,
मैं हमेशा बोलता हूँ कई बच्चे गड़बड़ करते हैं कि रीजनिंग में या क्वांट में उन्हें लगता है कि एसएससी बैंकिंग वाली कर ले, पर निमसेट का थोड़ा अलग पैटर्न होता है, मैथ से बेस्ड होता है और कई बार इससे भटक जाते हैं। जैसे आपने अपने क्या होता है, लोग अपनी कमियां बताने से डरते हैं, पर मैंने देखा इम्पीटर से जुड़ा हुआ बच्चा अपनी कमियां भी बताता, अपनी जो स्ट्रांग पॉइंट है वो भी बताता है। तो आपने अच्छी बात बताई कि जो बच्चे ऐसा करते हैं कई बार वो भटक जाते हैं, फिर हमारा एक्चुअल में फोकस हट जाता है कई बार उस रास्ते से, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हाँ बिल्कुल सर, जब 2020 का लॉकडाउन लगा था तब उस वक्त तो काफी टाइम था, इस कारण से ये हुआ कि मेरे पास काफी टाइम हो गया और मैं भटक से ही गया था लगभग, क्योंकि काफी वीडियोस देख ली थी यूट्यूब पे मैंने रीजनिंग की तरह तरह की, तो उस कारण से। लेकिन वो उनका ज्यादा सपोर्ट तो मिला नहीं मेरे को, हालांकि थोड़ी बहुत ही चीजें समझ आई, उससे ज्यादा और कुछ आया नहीं, मतलब टोटली टाइम वेस्ट था वो तो मेरे लिए। कई बार हम ऐसे YouTube पे कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत चीज अच्छी भी है पर कई बार टाइम खर्च कर देते हैं, भटक जाते हैं। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि बहुत ही सिलेक्टेड चीजें होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भटक जाएं, तो ये इम्पोर्टेंट बात है बहुत ही। जैसे सर आप भी यूट्यूब पे हो तो मेरे लिए तो काफी अच्छी बात है कि आप यूट्यूब पे हो, इस कारण से मैं इतनी अच्छी NIT में जा पाया, वरना तो मुझे लगा ही नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं NIT जा पाऊंगा। बिल्कुल, त्रिची भी बड़ी दूर की बात थी, NIT भी जा पाऊंगा, वो भी एक अलग ही लेवल था। देखो अगर हम सोचते हैं तो सब कुछ मिल सकता है, और वो आपने सोच रखी। अच्छी बात ये थी कि आप 2019 से इसके लिए सिंसियर हो गए थे और एक तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, फिर आप प्रॉपर जो इम्पीटस की टेस्ट सीरीज है उससे जुड़ गए, उस टेस्ट सीरीज के देने से आपको एनालिसिस करने में आसानी हुई, पेपर को समझ पाए और वो सब चीजें काम आई। पेपर भले अलग ढंग का था पर पेपर में जिसने अपने आप को संभाल लिया था वो रैंक दे गया, और वही चीज आपके साथ भी हुई। बिल्कुल सर, ये तो बस सर आपकी वजह से हो पाया, वरना हम तो कहां कुछ भी नहीं थे। नहीं नहीं बेटा, बच्चों की मेहनत और एक प्रॉपर गाइडेंस, इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से अच्छा सिलेक्शन होता है। क्योंकि सर इतना जो फ्री मटेरियल आपने दिया हमें मैजिकल टेस्ट सीरीज, वरना मुझे तो लगा ही नहीं था, वरना कोई देता भी नहीं है इतना फ्री में तो बस सर आपकी वजह से हो गया, और परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी मेरी काफी अच्छी सपोर्ट करी सब, और सौरभ सर ने भी एक बात कही थी कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में, हालांकि वो सबके लिए कही थी पर वो मेरे लिए भी लग गई थी, क्योंकि उन्होंने भी कहा था सपोर्ट मैं सबके लिए, तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, ये अपने मन में एक बात रखना कि तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, तो वहां से बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं यूपी बिहार साइड, वहाँ पर बस ये बातें करते रहते कि पहले अटैम्प में नहीं होता, पहले अटैम्प तो बस ऐसी एक्सपीरियंस के लिए होता है। मैंने कहा नहीं भाई रुक जा, मैं पहले अटैम्प देखा कर दूंगा कोई नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, आपकी मेहनत रंग लाई और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और आप अपनी तरफ से कोई जूनियर्स को मैसेज देना चाहते हो अभिषेक तो मैं जरूर जाऊंगा कि आप बोलें कुछ जो आपको लगता है कि क्या चीजें हैं जिसका वो ध्यान रखें और क्या ऐसी चीज है जिसको वो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सर, जूनियर्स के लिए तो यही कि बस जैसी मन में आ जाए ना वैसी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मेरे मन में जैसे डाउट था कि करूं या ना करूं, लेकिन एक बार जब मन में आ गया कि करना है तो उसी वक्त से शुरू कर दो, फिर ये ना देखो कि सोमवार से करूंगा या दिवाली के बाद से करूंगा, क्योंकि उस वक्त फिर क्या होता है कि जैसी ये हटे तुम जैसी मन हटा तो वैसे फिर मन मानने का नहीं कि शुरू करनी है, तो जैसे मेरे मन में आया था, मैंने बताया कि जैसे मन में आया वैसे मैं दोस्त के पास गया बुक ले आया, तो उससे क्या होता है कि एक बार जब हमने शुरुआत कर दी, मतलब मेरे साथ ऐसा था कि अगर एक बार मैंने शुरुआत कर दी तो फिर मैं भले 2 साल या 3 साल लग जाते तो मैं फिर रुकता ना, तो यही मैं जूनियर्स को कहना चाहूंगा कि जैसे एक बार मन में आए वैसे तुम शुरुआत कर दो, और एक बात और कि हो सके तो कोचिंग जरूर कर लेना, क्योंकि सेल्फ स्टडी में भटक जाओगे काफी, सेल्फ स्टडी में मतलब बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर कोचिंग कर सकते हो तो अच्छी बात है, और सेल्फ स्टडी जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके निकाला, और वो तो सेल्फ स्टडी भी कहाँ थी एक तरह से, तो सर थे जिन्होंने यूट्यूब पे भी काफी हेल्प करी, तो यूट्यूब पे भी सर के सेशन है, अगर वो देख सकते हो और सेल्फ स्टडी से कर सकते हो तो वैसे कर लेना, वरना कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये एक चीज और ध्यान रखना कि रीजनिंग में भटक ना जाना, चाहो तो सर से भी बात कर लेना इसलिए, तो रीजनिंग में बिल्कुल भी भटकना मत, क्योंकि रीजनिंग बहुत वाइड हो जाएगा, बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा हो जाएगा तुम्हारे सबके मतलब हर किसी के लिए, तो इस कारण से ये गलतियां ना कर देना जो मेरे से गलतियां हुई, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मेरा रीजनिंग में,
हालांकि मैथ्स तो चलो एक मेजर पोर्शन रहता है निमसेट में, लेकिन रीजनिंग में इतना वो भटक मत जाना। बहुत अच्छी बात बोली अभिषेक आपने, और बिल्कुल सही बात है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ इम्पिटस गुरुकुल सपोर्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपके पास सेल्फ स्टडी के साथ यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, कर लें। सेल्फ स्टडी में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, क्लासरूम आ जाओ। आज इम्पिटस से जुड़ा हुआ बच्चा या इंडिया का कोई भी बच्चा इम्पिटस के साथ जुड़ के हर तरह के कोर्स में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। बस ये पहचानने की जरूरत है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या करना है। ये मतलब अगर मान लो नहीं हो रही सेल्फ स्टडी में पढ़ाई तो ज्वाइन कर लो जैसे आपने बोला। अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी में पढ़ाई हो रही, टेस्ट सीरीज देते रहो जैसे आप देते रहे। तो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन है, पर ये समझना जरूरी है कि अगर हमने ठान लिया कि करना है तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे एंड टाइम पे क्या था, मतलब शुरुआत में तो ये था कि चलो एनआईटी के लिए तो कोशिश करनी है, फिर शुरुआत में ये था कि जोन सी मिल जाए रख लूंगा। फिर जैसे ऐसा करता गया, फिर मन में आया कि टॉप 5 चाहिए। फिर जैसे ऐसे लास्ट का महीना था जब पेपर आगे बढ़ गए थे, जब पोस्टपोन हुए थे, तब मन में एक चीज आई थी कि नहीं जाना है तो फिर त्रिची के लिए तैयारी करो। जैसे कि आप भी आते हो कि कोशिश करनी है तो टॉप के लिए कर। बिल्कुल सही बात है, हमेशा चीज ऐसी कोशिश करो कि जाना है तो त्रिची जाना है। तो जैसे मैं हमारे लिए 16 सीटें होते, तो मैंने भाई ये सोच रखा था कि टॉप 6 मतलब उन 16 में से कोई एक सीट जरूर मेरी होगी, और वैसे ही हुआ। जैसा आप भी हमेशा कहते हो, जैसा माइंड को इनपुट दोगे वैसे आउटपुट मिलेगा, तो मेरे साथ भी वैसे बहुत बहुत एक बहुत बार हुआ है, जैसा मैंने इनपुट दी वैसे ही मिलता चला गया। चलो बहुत ही अच्छी बात है अभिषेक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एनआईटी त्रिची में भी अब ऐसे ही परफॉर्म करो, जितनी मेहनत आपने यहाँ की है अब उससे ज्यादा मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो बच्चे मिसगाइड हैं, डीमोटिवेट होते हैं, जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है उनको गाइड करो। उनको बिल्कुल ये बात बताओ कि कभी भी हिम्मत नहीं आना, और एक बार डिसाइड कर लिया तो एक्शन लेके पीछे नहीं हटना। बिल्कुल सर, ये करता हूँ मैं। और मैंने सबको क्या रखा है कि देख लो निमसेट का एक एग्जाम होता है, उसे देना है तो दे दो, वरना क्या होता है कि बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। मैं क्या सकता, गाइडिंग कर सकता, सही बात है। बिल्कुल हाथ पकड़ के तो उनका चला नहीं सकता। तो मैंने हर एक दोस्तों को क्या रखा है कि भाई देखो निमसेट का एग्जाम होता है, देना है तो दे दो, और गाइडेंस जो चाहिए वो मेरे से ले लेना, और कोचिंग चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना इम्पिटस गुरुकुल या शरद सर, तो तुम्हारे सामने रिजल्ट आ जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा है आगे, इस कारण से। बिल्कुल सही बात है बेटा अभिषेक, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।